वेलकम नीतू किशन कॉर्नर। आप सभी का मैट जल में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप सब लोग ठीक होंगे, कुशल मंगल होंगे। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे सभी भाई बहनों को। तो रक्षाबंधन के पर्व पे अगर मिठाई ना हो तो मिठाई के बिना तो ये सोच लीजिए फीका सा लगता है, और अगर ये घर पे बना ली जाए तो और क्या, सुभान अल्लाह। तो हमने बनाए हैं सूजी नारियल के लड्डू। ये बहुत ही सॉफ्ट लड्डू, दानेदार लड्डू बने हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे, और आप लोगों के साथ आज मैं ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो स्किप ना करें और फॉलो ज़रूर करें, और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो रिक्वेस्ट है आपसे, पूरा देखें वीडियो, स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम लेंगे 250 ग्राम सूजी, जिसे रवा भी बोलते हैं। ये हमने 250 ग्राम सूजी लिया है, ये दानेदार है, ये इस तरह से। आप चाहें तो मिक्सर में ग्राइंड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। और इसमें हम डालेंगे आधा कप दूध, उसमें मलाई है, उससे हम इसको गूंदेंगे। इस तरह से हम देखते हैं, इसको गूंद के हम ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। ये बस इतना ही दूध लगना है। और हमारी दादी नानी जब भी लड्डू बनाती थी, आपने कभी भी देखा है, वो दूध से गूंद के बनाती थी, क्योंकि उसका लड्डू का जो स्वाद है वो बहुत ही यमी होता था, स्वादिष्ट होता था। तो इस तरह से आप पानी से ना गूंदते हुए दूध से गूंदेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हमने सूजी गूंद के रख दी है, तो 10 मिनट में ये फूल जाएगी, थोड़ा सा टाइट होने लगेगी। तो तब तक हम नारियल का बुरादा है उसको थोड़ा सा भून लेते हैं। पैन को हम गर्म होने के लिए रख दे रहे हैं। ये 250 ग्राम का पैकेट है, बट हमको थोड़ा सा ही यूज़ करना है, 50 ग्राम से थोड़ा सा कम। पैन को कट दिया है हमने गर्म होने के लिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे बुरादा। तो धीमी धीमी आंच पे हमको इसको रोस्ट करना है, इसमें घी का यूज़ नहीं करना है, यहाँ पर ऐसे ही हमको रोस्ट करना है। अब आप देखेंगे 10 मिनट हो गए हैं, सूजी हमारी फूल गई है, देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। तो इसकी हम लोइयाँ बना लेंगे, जैसे हम रोटियाँ बनाते हैं उसकी लोई पेड़े बनाते हैं, ऐसे पेड़े हम बना बना के रख लेंगे, और इस तरह से चपटे बनाने हैं। तो उससे क्या है ना, ये फ्राई होने में आसानी रहेगी, अंदर तक सिक जाएंगे ये। इस तरह से हमने पेड़े बना लिए। अब हम पैन में डालेंगे ऑयल, ये मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है, आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, मेरे बड़े बुज़ुर्ग लोग, तो इसलिए मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल यूज़ किया है। ये सारे पेड़े एक एक करके हम उसमें डाल देंगे, धीमी आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे। और इस तरह की अगर मेथड से आप लोग लड्डू बनाएंगे तो वाकई में स्वादिष्ट लगते हैं, और बिल्कुल मार्केट जैसे लड्डू बनके तैयार हो जाते हैं, कम समय में और कम सामान में ये बनके तैयार होते हैं। तो इस तरह से आप एक एक करके हल्की सुनहरे होने तक भुने और बाहर निकालें, जितने बचे हैं वो वापस उसमें डाल दीजिए। मैंने एक एक करके इस तरह से फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। तो इनको जब तक फ्राई होंगे उलट पुलट करके देख लीजिए, कहाँ कौन सा सिक गया है तो उसको वापस हम पलट देंगे। इस तरह से धीमी आंच पे इनको सेकते रहना है, और क्रिस्पी होने तक इनको सेक लेंगे ये इस तरह से आप। और ये बिल्कुल अच्छे से सेक के तैयार हो गए हैं। और ये जो मुठिया है अपने हाथों से तोड़ के रख लेनी है, और थोड़ा सा खुली हवा में रखना है, पंखे की हवा में, जिससे थोड़ा ठंडा हो जाए। इसके बाद में मिक्सर ग्राइंडर में हमको डालना है, गर्म नहीं डालना है, ठंडा होने पर हमको डालना है। तो हम इस मिक्सर ग्राइंडर में डाल लेते हैं ये सारे, और इसके बाद फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं। ये फाइन पेस्ट तैयार हो गया इस तरह से बुरादा। अब इसमें जो भी हमें सामान मिक्स करना है वो धीरे धीरे ठंडा होने पर कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो भी हमारा ना बुरादा या जो भी है वो इसमें भून के, सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स भून लिए हैं इस तरह से। कम से कम ही घी हमने यूज़ किया है यहाँ पर, इस तरह से बुरादा हमने, और ये जो नारियल है वो भी हमने फ्राई किया है यहाँ पर इस तरह से। तो ऐसे ही हमको ये भी फ्राई करना है, तो इनमें हम घी का यूज़ करेंगे इधर, लेकिन बुरादा हमने बिना घी का ही फ्राई किया है। तो अब ये हल्का हल्का भुनी भुनी इसमें खुशबू आ रही है, तो इसमें हम अब बुरादा डाल देंगे। तो इस दोनों को हम मिक्स कर लेंगे, ये दोनों मसाले मिक्स हो गए हैं, उलट पुलट किया। इसके बाद में हम एक अपनी परात या स्टील की परात हो तो उसमें हम इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए दोनों मिक्स हो गए और अच्छे से भुन भी गए हैं।
तो अब इसके बाद में हम ये प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसके बाद में हम इसमें अपना जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो मिक्स करेंगे। ये देखिए आप टेक्सचर देखिए इसका, इस तरह से बुन के रेडी हो गया है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं है और इस तरह से ये तैयार हो गया। तो हमने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया, थोड़ा ठंडा हो जाए इसके बाद में हम इसमें तगार मिलाएंगे चीनी। तो चीनी हमने पहले से पीस के रखा हुआ था, उसमें दो इलायची के दाने हमने डाल दिए थे खुशबू के लिए। आप थोड़ा थोड़ा इसमें मिक्स कर लेना है और इसमें ड्राई फ्रूट जो हमने भून के रखे थे वो भी डाल देना है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे घी का, घी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, तो उससे क्या लड्डू बहुत अच्छे से बन जाते हैं। तो अपने हाथों की सहायता से इनको अच्छे से मिक्स कर लें और हाथों से अच्छे से इनको लड्डू का शेप तैयार कर लें। ये देखिए इस तरह से लड्डू का शेप तैयार करें। एक एक करके हम ऐसे ही सारे लड्डू बना लेंगे, बट हमारे बच्चों को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रही, वो देख रहे हैं बार बार आके जाके, मम्मा कब रेडी करेंगे, कब हमको लड्डू देंगी, क्योंकि बच्चों को फेवरेट होते हैं लड्डू। तो अक्सर मैं घर पे तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत भाते हैं। मार्केट से ना ख़रीदते हुए अगर आप इस तरह की पैकेजिंग करके किसी हमारे भाई बहन गेस्ट किसी को भी देंगे तो वाकई में उनको बहुत अच्छा लगेगा। और घर के लड्डू तो वाकई में हेल्दी भी होते हैं। तो ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट लड्डू बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हैं, ये देखिए। आपको कैसे लगे हैं लड्डू आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करती हूँ, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, कर लीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। एंजॉय कीजिए रक्षाबंधन का पर्व, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी रक्षाबंधन।